यमन में हूती विद्रोहियों की ओर से लाल सागर में आने जाने वाले जहाजों पर लगातार निशाना बनाया जा रहा है। हूती विद्रोही इसराइल, अमेरिका और उनके साथी देशों के कारोबारी जहाजों पर लगातार अटैक कर रहे हैं, जिसके बदले की कार्रवाई में ब्रिटेन और अमेरिका भी हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हवाई अटैक कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद हूतियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, वे कारोबारी जहाजों को लगातार निशाना बना रहे हैं। वहीं एक बार फिर अदन की खाड़ी में बीते शुक्रवार को एक पोत के निकट विस्फोट होने की खबर सामने आई है। ऐसा संदेह है कि ये हमले यमन के हूती विद्रोहियों ने ही किए हैं। पश्चिमी एशिया में जल मार्गों पर नजर रखने वाले ब्रिटिश सेना के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ऑपरेशन सेंटर के अनुसार इस हमले में पोत पर सवार कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ। निजी सुरक्षा कंपनी एमरे ने भी इस हमले की अलग से सूचना दी है। हूती विद्रोहियों ने हमले की फिलहाल जिम्मेदारी नहीं ली है। इससे पहले हूती विद्रोहियों ने बुधवार को अदन की खाड़ी में एक कार्गो शिप पर मिसाइल हमले किए थे, जिसमें चालक दल के 3 सदस्यों की मौत हो गई थी और जिंदा बचे लोगों को जहाज छोड़कर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। मिली जानकारी के मुताबिक हूती विद्रोहियों के मिसाइल अटैक में कारोबारी जहाज के चालक दल के 2 सदस्यों की मौके पर ही मौत हो गई थी। गाजा में हमास के खिलाफ इसराइल के युद्ध छेड़ने के बाद ये हूती विद्रोहियों का पहला हमला है जिसमें लोगों की जान गई है। हमला बारबाडोस के फ्लैग वाले जहाज ट्रू कॉन्फिडेंस पर हुआ। इस हमले के बाद से एशिया और मध्य पूर्व को यूरोप से जोड़ने वाले समुद्री मार्ग पर हमला और भी ज्यादा बढ़ गया है, जिससे जहाजों की विश्व स्तर पर आवाजाही बाधित हो गई है। बताते चले कि बीते 2 मार्च से लाल सागर में लगातार हो रहे हूतियों के हमलों के बीच पहली बार कोई जहाज डूब गया था। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक हूती विद्रोहियों ने 18 फरवरी को बाब अल मंडब स्ट्रेट में रूबीमार नाम के जहाज पर मिसाइल से अटैक किया था। इसके बाद जहाज के क्रू मेंबर्स को ब्रिटिश मिलिट्री ने रेस्क्यू किया मीडिया हाउस इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक रूबीमार एक ब्रिटिश जहाज था। इस पर बेलीज का फ्लैग लगा हुआ था। हूतियों ने जब इस पर हमला किया तब ये यमन के मोखा पार्ट से करीब 27.78 किलोमीटर की दूरी पर था। पिछले 12 दिनों से ये उत्तर की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन लाल सागर में तूफान और खराब मौसम की वजह से जहाज डूब गया। बता दें कि इसराइल हमास जंग के बीच फिलिस्तीनियों के समर्थन में हूती विद्रोही लगातार लाल सागर और अरब सागर में जहाजों पर हमले कर रहे हैं। इसकी वजह से कई जहाज अपना रास्ता भी बदल रहे हैं। इन हमलों का असर भारत पर भी पड़ रहा है। हूतियों ने कई बार भारत आ रहे जहाजों या फिर भारतीय क्रू वाले जहाजों पर भी हमला किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का 80% व्यापार समुद्री रास्ते से होता है, वहीं 90% ईंधन भी समुद्री मार्ग से ही आता है। समुद्री रास्ते में हमले से भारत के कारोबार पर सीधा असर पड़ता है, इससे सप्लाई चेन बिगड़ने का खतरा है। हूतियों से निपटने के लिए अमेरिका ने करीब 10 देशों के साथ मिलकर एक गठबंधन भी बनाया है, जो लाल सागर में हूतियों को रोकने और कार्गो शिप्स को हमले से बचाने का काम कर रहा है। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक व्यापारिक जहाजों को लाल सागर में हूती विद्रोहियों की ओर से निशाना बनाए जाने की पहली घटना के साथ ही इस मुद्दे पर विचार किया जा रहा है। मंत्रालय इस मसले के हर एक पहलू पर निगाह बनाए हुए है। उम्मीद है कि जल्द इन घटनाओं पर पूरी तरह से विराम लगेगा।